Hi, these are some phrasal verbs with word fall. Fall apart. Fall apart का मतलब है disintegrate होना, टूटना. For example, my old briefcase is falling apart. I will have to buy new one. This is fall apart. Fall behind. Fall behind का मतलब है be late for a regular event. किसी ड्यूरेशन में कोई काम होना है. यू आर फॉलिंग बिहाइंड. यू आर फॉलिंग बिहाइंड विद द रेंट. फॉल डाउन. फॉल डाउन का मतलब है फेल है. दैट इज वेयर योर रीजनिंग फॉल्स डाउन. रीजनिंग फॉल्स डाउन. फॉल इन. फॉल इन का मतलब होता है कोलैप्स होना इनवर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, द हैवी रेन कॉज्ड द रूफ टू फॉल इन. अंदर ऐसे कोलैप्स हो गया. कैल्डेरा, क्रेटर, वॉल्केनोज होते हैं, ये फॉल इन होते हैं. द हैवी रेन कॉज द रूफ टू फॉल इन. फॉल इन विद का मतलब है एक्सेप्ट होना. फॉर एग्जाम्पल, इट सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया सो वी फेल इन विद इट. आइडिया अच्छा था सो वी फेल इन विद इट. फॉल ऑफ. फॉल ऑफ का मतलब है टू बिकम डिटैच्ड और टू ड्रॉप फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, अलग हो गया, अ बटन फेल ऑफ माई कोट. Fall out, इसका मतलब है come out of something by falling. For example, I opened the cupboard and a can fell out हुआ onto my foot. So these are some phrasal verbs with this word fall. Now let us talk about some synonym with this letter I. Identical means alike, एक जैसा है, duplicate है. Idle है, inactive है, lazy है. Ignorant है means uninformed है, unaware है. Ignorant. Immaculate means spotless है, pure है. Immature मतलब childish और inexperienced. Immune. Immune का मतलब है वो resistant है. Vaccination immune exempt है. Impartial मतलब neutral होना, unbiased होना, fair होना. Civil servants are supposed to be impartial in delivery of their duty. Impatient मतलब eager, anxious, intolerant. Imperative है मतलब वो कंपल्सरी है, करना ही है, क्रूशियल है, मैंडेटरी है. एवरीडे स्टडी करना इम्परेटिव है. इम्परफेक्ट है मतलब दैट इज डिफेक्टिव, मार्ड, फॉल्टी है. इम्पेचुअस मीन्स इम्पल्सिव, रैश, रैकलेस है. इम्पॉर्टेंट है मतलब सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल है. इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है वो. इन्फीरियर, लेसर, सबस्टैंडर्ड. इन्फ्यूरिएट का मतलब है एनरेज, बहुत नाराज होना, अजिटेट होना, प्रोवोक होना. इंजीनियस मतलब क्लेवर होता है, क्रिएटिव या फिर ओरिजिनल. इनोसेंट मतलब गिल्टलेस है, ब्लेमलेस है वो पर्सन, दैट इज इनोसेंट पर्सन है. इनसेन मीन्स क्रेजी, डिरेंज्ड है, मैड है. इनसफिशियंट का मतलब है इनएडिक्वेट या फिर डेफिशिएंसी. इनसफिशियंट न्यूट्रिशन है. इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, सेंसिबल है, रैशनल है. इंटरेस्टिंग का मतलब होता है प्रोवोकेटिव या फिर एनग्रॉसिंग. इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी. इंटरमिटेंट मतलब स्पोरेडिक या फिर पीरियोडिक, जो कभी कभी इंटरमिटेंट ब्रेक में हो रहा है, स्पोरेडिक है, पीरियोडिक है. इंटरनल मतलब इनर, इनसाइड. इनटॉलरेंट मतलब बायगॉट, प्रिजुडाइज्ड है. इंट्रीग है मतलब बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, एंथ्रेलिंग लग रहा है. इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट मतलब वो इनएप्रोप्रिएट है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अनरिलेटेड है. इरिटेट होना, एनॉय होना, अजिटेट होना, प्रोवोक होना. सो ये कुछ वर्ड्स हैं विद दिस लेटर आई. फॉरवर्ड. ऑलवेज लुक फॉरवर्ड. यू ओनली नीड टू फोकस ऑन वन लिटिल स्टेप फॉरवर्ड. एक बार में एक काम करना चाहिए. One little step forward. You don't need to conquer the entire mountain right now. One day mein, you don't need to conquer the entire mountain right now. You don't need to have everything figured out today. It's all right. You don't need to have everything figured out today. The only possible way to climb a mountain is by climbing it one step at a time. This is very powerful statement. One step at a time. Don't think about the peak. Don't worry about what may come later. Instead, focus. Focus
जस्ट ऑन द वन लिटिल स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू, एक बार में वन स्टेप, एक वन लिटिल स्टेप, द रेस्ट विल कम व्हेन इट्स टाइम, फॉर नाउ इट्स जस्ट वन लिटिल स्टेप, वन डे एट अ टाइम एंड टुडे वी हैव रीच्ड टू 300. So this is 26th of October 2020, set number 59, 5 minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.